أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा जो GDB नंबर 1 आया हुआ है स्प्रिंग 2021 का उस हवाले से है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है। उसके ऊपर आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका ये MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी शामिल है, इसके लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करके वहां पे रखे हैं। दोस्तों उस चैनल का जो URL है आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन को जरूर विजिट करें और वहां पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप उनसे जरूर फायदा उठाएं। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने इस GDB की तरफ। इसमें हमें एक केस दिया गया है मिस्टर अहमद के हवाले से। मिस्टर अहमद हैव जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब एंड ही हैव रिसीव अ हैंडसम अमाउंट एट हिज ग्रेजुएटी, कि वो अभी रिटायर हुए हैं और उन्होंने जो है एक हैंडसम अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी हासिल किया। ही हैव प्लान टू इन्वेस्ट द मनी रिसीव फ्रॉम द ग्रेजुएटी फॉर विच ही इज इन सर्च ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। वो जो है एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है उसको सर्च कर रहा है। वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसका जो एक दोस्त है, हैव सजेस्टेड हिम 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडरिंग हिज एम ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो जो है उसे 3 ऑप्शन बताता है इन्वेस्टमेंट के लिए। मिस्टर अहमद इज नॉट अवेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट डायनामिक्स द रिस्क एंड रिटर्न। वो जो है उसे पता नहीं है रिस्क एंड रिटर्न के हवाले से। देयरफॉर ही नीड्स हेल्प फ्रॉम 1 टू चूज अमंग 3 अवेलेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। उसे जो है एक कंसल्टेंट की जरूरत है जो उसे बताए कि कौन सी ऑप्शन जो है वो उसके लिए बेस्ट है इन तीनों में से। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द मिस्टर अहमद इन चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 10 ईयर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। दोस्तों हमने बीइंग अ स्टूडेंट जो है वो मिस्टर अहमद को ये बताना है कि विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर हिम फॉर दैट पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लिए कौन सी ऑप्शन जो है वो उसके लिए बेस्ट है। फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, यही रिक्वायरमेंट है। यूजिंग अ कॉमन बेस्ड ऑफ कंपेरिजन यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प मिस्टर अहमद इन एस्टिमेटिंग वट विल बी द गेट फ्यूचर फ्रॉम द 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड विच ऑप्शन ही शुड बी सेलेक्ट टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। हमने उसको ये बताना है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है और कौन सी ऑप्शन जो है वो ऐसी है जो उसे मैक्सिमम रिटर्न देगी। कैलकुलेशन फार्मूला एंड डिटेल वर्किंग आर मैंडेटरी फॉर ईच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसकी जितनी भी कैलकुलेशन है वो मैंडेटरी है, यानी कि आपने जरूर लिखनी है। डिसीजन टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन शुड बी बेस्ड ऑन यूर कैलकुलेशन। हमारा जो डिसीजन है या जो फैसला है वो जो हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर 3 ऑप्शन ए बी एंड सी उसकी बेस पे होना चाहिए। ये नहीं है कि हम कैलकुलेशन कुछ और करें और ऑप्शन जो है वो कोई और सेलेक्ट करें। तो दोस्तों ये है हमारी बेसिकली इस GDB की रिक्वायरमेंट। हम बढ़ते हैं अपने GDB के सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शंस को जो है वो मैंने दिखाना है। इन तीनों ऑप्शंस के लिए हम लोग जो है एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, CC(FMT)(1+I)/MN^(M-1)/I((M)। इसमें CC जो है वो कांस्टेंट कैश फ्लो है जो उसको मिलेगा और 1 जो है वो फॉर्मूले का है, I जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट है, M जो है वो आपका इंटरवल है कि एक साल के अंदर आपको कितनी बार जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे जो N है दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर विच इज ऑलमोस्ट 10 ईयर, हमें बताया गया कि 10 साल है। दोस्तों अब मैं आपको जो है इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। सबसे पहले जो है जो इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें हासिल हुई है तीनों ऑप्शन से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पहली ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसमें हमारा जो कैश फ्लो है कॉन्स्टेंट कैश फ्लो वो 1,20,000 है पर एनम। इसमें नंबर ऑफ ईयर जो है वो 10 साल है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है और कंपाउंडेड एनुअली यानी कि आपको हर महीने जो है वो इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन बी है, इसमें हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट कैश फ्लो 50,000 है, नंबर ऑफ ईयर जो है वो हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर 10 साल है, इंटरेस्ट रेट इसमें हमारे पास 10% है
और इसमें कंपाउंडेड क्वार्टरली है, यानी कि हमें एक क्वार्टर के बाद यानी कि एक साल के अंदर हमें 4 टाइम जो है वो मिलेगा, यानी 3 माह का एक क्वार्टर होता है, तो 4 टाइम जो है क्वार्टरली 4 को कहते हैं, तो हमारे पास जो है वो 4 × 3 = 12, यानी कि साल में हमें जो है वो 4 टाइम जो है वो मिलेगा। इसके बाद हमारे पास तीसरी ऑप्शन है जो कि हमारे पास जिसमें कॉन्स्टेंट कैश फ्लो जो है वो 1 लाख है, और नंबर ऑफ ईयर जो है हमारे पास 10 है, और इंटरेस्ट रेट इसमें भी 10% है, और इसमें सेमी एनुअली यानी कि हमें साल में 2 बार मिलेगा। तो ये है दोस्तों हमारे पास 3 ऑप्शन। अब हम लोग जो है अपने सोल्यूशन की तरफ चलेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने जो है इसको सॉल्व किया है, और इसमें से कौन सी ऑप्शन बेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सेम यही ऊपर वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है, यहाँ पे देखें 1,20,000 इनटू 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट और रेज टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12%। अब इसको 12% को खत्म करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 0.12 आ जाएगा। यहाँ पे भी 0.12 आ गया और यहाँ पे भी 0.12 आ गया। अब आगे हमने चला आगे हम चले तो 1 प्लस 0.12 को जो है हमने आपस में ऐड किया तो 1.12 बन गया, और उसकी रेज टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.12 आ गया। इसके बाद आगे चलेंगे, हमने रेज टू द पावर ली 1.12 की रेज टू द पावर 10 लिया तो हमारे पास 3.11 आ गया, और माइनस किया हमने इसमें से 1, तो जब हमने माइनस 1 किया तो हमारे पास 2.11 आ गया। डिवाइडेड करना है हमने 0.1 के साथ, तो जो भी आंसर आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 1,20,000 के साथ, तो आपके पास जो है जो जवाब आएगा वो 21,05,848 आ जाएगा, और यही जो है वो हमारी फ्यूचर वैल्यू है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एन्युटी से लिया गया, क्योंकि आपको सीरीज ऑफ पेमेंट्स मिलनी है, इक्वल सीरीज ऑफ पेमेंट, तो आपने सिंपल फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी बल्कि एन्युटी वाली जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे भी जो है वो मैंने एन्युटी वाला ही फॉर्मूला लिया है। तो दोस्तों पहली ऑप्शन का जो जवाब है वो हमारे पास 21,05,848 आ गया, अगर वो 10 साल के लिए अपनी जो है वो कैश फ्लो जो है 1,20,000 अगर वो कॉन्स्टेंटली जमा करवाता है तो हमें जो है वो 21,05,000 जो है वो मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे YouTube के ऊपर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जो कि मेरे दूसरे चैनल 24/7 टीचर फॉर लाइन के ऊपर अवेलेबल हैं, जिसका URL शुरू में भी मैंने आपको दिखाया था जब हमने इस असाइनमेंट को शुरू किया था, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो आप 24/7 टीचर फॉर लाइन को जरूर विजिट करें, और वहां पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर हैं ऑलमोस्ट 30 लेक्चर मेरे रिकॉर्डेड हैं, तो आप उनसे भी जरूर फायदा उठाएं। अब हम आते हैं ऑप्शन बी के ऊपर। ऑप्शन बी के लिए भी हम सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखें शुरू के अंदर कॉन्स्टेंट कैश फ्लो हमारे पास 50,000 है, जो हर साल के शुरू के अंदर मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो है वो 50,000 डिपॉजिट करवाएगा फॉर द 10 ईयर। आगे रेट जो है वो 10% है डिवाइडेड बाय 4, यानी कि यहाँ पे M ऊपर वाला M जो है वो इंटरवल आ गया, यानी कि साल के अंदर 4 बार जो है वो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और रेज टू द पावर 10 जो है वो नंबर ऑफ ईयर है, और हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 4 ये क्वार्टरली जो आपको मिल रहा है, माइनस 1 आ गया इंटू 10% जो है वो रेट आ गया, डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ये 4 जो है वो ही क्वार्टरली वाला बन गया। अब हमने 10% जो है इसको फ्रैक्शन में करना है तो हम मल्टी डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो हमें पास जो है वो 0.10 आ जाएगा, और इधर भी 0.10 आ गया। तो यहाँ पे जो है हमने 1 प्लस 0.10 किया तो हमारे पास 1.03 आ गया, और रेव टू द पावर 40 आ गया, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है वो 40 बनता है। इसके बाद माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.03 कैसे आ गया, 0.10 को जब हमने डिवाइड किया 4 के साथ क्वार्टर के साथ तो 0.03 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसकी रेव टू द पावर लेंगे, तो हमने जब रेव टू द पावर 1.03 की रेव टू द पावर 40 टाइम लिया तो 2.69 हमारे पास आंसर आ गया, माइनस 1 करना है डिवाइडेड बाय 0.03 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, 1.69 जो है हमारे पास बच गया, डिवाइड करना है आपने 0.03 को और मल्टीप्लाई करना है 50,000 के साथ, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 33,70,128। अब यहीं पर देख लें दोस्तों कि हमारी जो ए ऑप्शन है उससे जो बी ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें हमारा जो कॉन्स्टेंट कैश फ्लो है जो हमने हर साल के शुरू में जमा करवाना है वो 50,000 है, लेकिन ऑप्शन बी के ए के अंदर जो है वो हमारे पास 1,20,000 है, लेकिन ऑप्शन ए के अंदर हमें 12% इंटरेस्ट मिलता है,
बी के अंदर 10% मिलता है। वैसे मतलब इन ऑप्शंस को देखा जाए तो ए ऑप्शन हमारे लिए फिजिबल बनती है क्योंकि 12% हमारा इंटरेस्ट रेट है, लेकिन जब हमने कैलकुलेशन की एन्युटी के थ्रू तो हमारा जो जवाब आया ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, मैं जो है ऑप्शन बी को प्रेफर करूंगा क्योंकि उसका जो फ्यूचर वैल्यू है वो 33 लाख है, जबकि ऑप्शन ए की जो कैलकुलेशन है वो 21 लाख है, तो हम 33 लाख वाले को प्रेफर करेंगे, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो बेहतर है। अभी हम ऑप्शन सी को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन तीनों ऑप्शंस में जो है वो ऑप्शन ए बेहतर है, बी बेहतर है या सी बेहतर है। हम उसकी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए हमारा कॉन्स्टेंट कैश फ्लो 1 लाख और इंटू 1+10% जो है हमारा इंटरेस्ट रेट आ गया, डिवाइडेड बाई 2 जो है वो एम इंटरवल यानी कि सेमी एनुअल, या साल में 2 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 10 × 2 रेव टू दावर आ गया -1 × 10% और 2 आ गया। अब आपने जब 10% को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 0.10 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और रेव टू दावर 20 -1 और इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। जब हमने आगे कैलकुलेशन की तो हमारे पास 1.05 आ गया, क्योंकि जब हमने इसको जो है डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 0.05 बच गया, तो हमने जो है यहाँ पे 1.05 और रेव टू दावर 20 ले लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखें 0.12 को जब हमने डिवाइड किया 2 के साथ तो 0.05 बन गया। आगे जब चलेंगे तो हमारे पास देखें जब हमने 1.05 की रेव टू दावर 20 ली तो हमारे पास 2.65 जो है वो आंसर आ गया और -1 / 0.05 आ गया। अब हमने आगे फर्दर गए तो हमने जब 2.65 से -1 किया तो हमारे पास जो है वो 1.65 आ गया डिवाइडेड बाय 0.05 आ गया। जब जो इसका रिजल्ट आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 1 लाख के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास 33,06,595 आ जाएगा। आप देखें हम तीनों ऑप्शंस को, इसमें ऑप्शन ए 21,05,848, ऑप्शन बी 33,70,128, ऑप्शन सी 33,06,595, तो इन तीनों ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन बी है उसका जो रिजल्ट है वो सबसे ज्यादा है। तो मिस्टर अहमद जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो ऑप्शन बी सेलेक्ट करेगा, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो तो देखने में कम है लेकिन जो फ्यूचर वैल्यू है अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, एन्युटी को अप्लाई करें, तो वो सबसे ज्यादा है, इसमें 33,70,128 है। तो हम लिखेंगे के ऑप्शन बी इज बेटर देन ऑप्शन ए एंड सी फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर अहमद, कि ये जो ऑप्शन है ये ज्यादा बेहतर है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जीडीपी का आइडिया मिल गया होगा। दोस्तों अगर इसमें कहीं पर कोई कैलकुलेशन की गलती है तो आप उसे सेट कर लें, इंशाल्लाह मैं तो मतलब कोशिश यही करता हूं कि कहीं पर कोई गलती ना आए, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कोई प्लस माइनस की गलती आ जाती है तो आप लोग उसे अपने एंड पे देख लिया करें। फॉर्मूला मैंने जो है वो बिल्कुल ठीक यूज किया है और इंशाल्लाह आपका जो है वो 100% रिजल्ट आएगा। और दोस्तों आखिर में मैं फिर यही कहूंगा कि www.youtube.com/teachersonlineforyou पे जरूर जाएं और वहां पे जो मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप उनसे भी जरूर फायदा उठाएं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए जो है वो वीडियोस बनाता रहूं, और कोशिश किया करें कि एक वीडियो आप एक बार जरूर कंप्लीट देखा करें। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सॉल्यूशन के साथ या जीडीपी सॉल्यूशन के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।